तो जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में, खासतौर पर 9, 10, 11, 12 की बात करें, तो बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर हटवा दिया जाता है वहां से। 9, 10, 11, 12 में कंप्यूटर लगवाने की जरूरत क्या है, क्लास 8 तक पढ़ाइए। और बहुत से सीबीएसई में रजिस्टर्ड जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनको मैंने देखा है ऐसा काम करते हुए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब अगर आप रजिस्टर्ड हैं सीबीएसई में, तो क्लास 10 में दो कोड चलता है, 165 चलता है, 402 चलता है, दोनों में से कोई भी आप लगवा सकते हैं, दोनों में जो आपको अच्छा लगे। अब बात करें पढ़ाने की, तो टीचर्स जो है अच्छे से ट्रेनिंग लें इस चीज की कि 402 कोड को कैसे पढ़ाना है, 402 के बाद 165 को कैसे पढ़ाना है। तो 165 तो कॉमन है, 165 आसान भी लगता है लोगों को, 402 तुलना में ज्यादा कठिन है, क्योंकि वहां पूछा जाएगा आपसे ओपन ऑफिस, और ओपन ऑफिस के बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है ना, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर अवेयर हैं। तो अच्छा ये होगा कि ओपन ऑफिस सीख करके फिर पढ़ाइए, सीखने का कोई हर्ज नहीं है, खूब सीखिए फिर पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए जरूर। तो मैं सारे स्कूलों से यही कहूंगा कि आप कंप्यूटर साइंस जरूर लगवाइए क्लास 9, 10, 11, 12 में। कुछ स्कूलों में तो लगता भी है, अभी फिलहाल जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे तो लगता है, 10th में भी लगता है, 9th में भी लगता है, 11th और 12th में भी लगता है। तो हिंदी की जगह 11th 12th में हो जाता है, या तो आप हिंदी लीजिए या तो कंप्यूटर साइंस लीजिए। तो कंप्यूटर साइंस पढ़ाने को लोग इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जो भी नॉलेज चाहिए आइए मेरे साथ लाइव जुड़िए। लाइव सेशन संडे को 8 या 9 बजे से होता है डेली, ठीक है। अब सिस्टम भी रिपेयर हो गया है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और जो भी सवाल है, टीचर्स भी जुड़े होते हैं हमारे साथ, डेवलपर्स भी जुड़े होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख करके कि एक छोटे से जगह से मैं हूं और यहाँ पर जो है इतने सारे लोग मुझे जानते हैं, ऑनलाइन भी जानते हैं, ऑफलाइन भी जानते हैं, और आप लोगों की हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सारे लोग जो भी टीचर्स हैं, खासतौर पर टीचर्स की बात करूंगा, आप लोग अगर पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाइए इसको, और जो भी दिक्कत आती है आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि अब अच्छे से सारी चीजें चलेंगी, सारी चीजें बहुत अच्छे से होंगी, और फिर हम चाइना को पीछे जरूर करेंगे, क्योंकि इस तरह से तो हम चाइना को पीछे नहीं कर सकते। चाइना में घर घर में एंड्रॉइड डेवलपर्स बैठे हुए हैं, तो हम कैसे चाइना को पीछे करेंगे। यहाँ तो हमें ये ही नहीं पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, बच्चा 9th में चला गया इसको ये नहीं पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, यूपीएस क्या है, यही सब चीजें नहीं पता है, बेसिक्स ही नहीं पता है। तो बेसिक ही नहीं क्लियर है तो फिर वो कहां से एंड्रॉइड डेवलपर बनेगा, नहीं बन सकता है। तो हमें ये टेंडेंसी बदलनी है और हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ना